नमस्कार दोस्तों, बीसीडी टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो एपिसोड में मैं इन बर्तनों को नहीं बेचने जा रहा हूँ या फिर मैं आपको किसी कॉन्टेस्ट में इन बर्तनों को नहीं देने जा रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक फैराडे केज क्या होती है और फिलहाल इस फैराडे केज के क्या क्या यूजेस हैं। फैराडे केज कुछ नहीं है दोस्तों, एक तरह से एक होलो मेटेलिक कंटेनर है, जैसे कि आप इस डोंगे को ले लीजिए और इस डोंगे के ऊपर अगर आप इस ढक्कन को रख देते हैं तो एक तरह से होलो मेटेलिक कंटेनर बन जाएगा। ऐसे दोस्तों अगर इस ग्लास के ऊपर आप कटोरे को रख देते हैं, चाहे आप ऐसे रखें चाहे आप ऐसे रखें, तो इस केस में भी एक होलो मेटेलिक केज बन जाएगी। और इस होलो मेटेलिक केज के अंदर अगर आप किसी पर्सन को रखते हो तो फिलहाल वो बाहर गरजती हुई बिजलियों से आराम से बच सकता है। इवन दोस्तों यहाँ पर करोड़ों वोल्ट की बिजली उसके ऊपर गिराई जाए तो फिलहाल वो पर्सन आराम से इस बिजली के प्रहार से बच सकता है। तो दोस्तों आप देख लीजिए इस टाइप की वीडियो में ये पर्सन कैसे बच जाते हैं कड़कती या गरजती हुई बिजलियों से। तो फिलहाल ये है फैराडे केज और फिलहाल ये वर्क कैसे करती है। यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक सबसे बेसिक प्रिंसिपल लगता है, किसी भी होलो मेटेलिक कंटेनर के अंदर चार्ज होता है दोस्तों जीरो, और फिलहाल चार्ज जीरो होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो हो जाती है और इसी कारण से दोस्तों कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस कंटेनर के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। तो फिलहाल ये है इसका प्रिंसिपल। आइए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस मेटेलिक होलो कंटेनर से आप और क्या क्या कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर मैं इन भांडों को लेके मतलब इन बर्तनों को लेके कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक अल्मीनियम फॉल लूंगा, तो अल्मीनियम फॉल भी दोस्तों बिल्कुल वही वर्क करती है जैसे कि बर्तन करते हैं, बस इसका जो साइज है काफी छोटा है और इवन मैं यहाँ पर टेबल पर आराम से रैपिंग पॉलिशिंग कर सकता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ये है मेरा Xiaomi का MI5 और यहाँ पर मेरी SBH52 पेयर्ड हो रखी है और इवन आप देख सकते हो कि MI फोन यहाँ पर कनेक्टेड है, ब्लूटूथ भी कनेक्टेड है। तो आइए दोस्तों मैं पहले तो कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर फोन को नहीं डाल रहा हूँ, यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस ब्लूटूथ डिवाइस को इस मेटेलिक फॉइल के अंदर लपेट दूँ। तो सच में दोस्तों क्या इस फॉइल के अंदर जो मैंने SBH52 लपेट रखा है तो क्या उसके सिग्नल अब इस मोबाइल फोन पर कैच होंगे, तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि SBH52 डिसकनेक्टेड हो चुकी है और इवन यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ब्लूटूथ डिवाइस है वो भी डिसकनेक्टेड मोड पर चल रही है, ऊपर भी निशान देख सकते हो। तो फिलहाल आपने अगर इस डिवाइस को एक अल्मीनियम फॉइल के अंदर बंद करके रख दिया तो आपके जो सिग्नल है दोस्तों वो चले जाएंगे और इवन देखा जाए तो यहाँ पर डिवाइस भी डिसकनेक्ट होगी। तो अब दोस्तों देख लेते हैं, मैंने इसको बाहर निकाल दिया है और यहाँ पर देख सकते हो कि पेयरिंग स्टार्ट हो चुकी है और इवन दोस्तों यहाँ पर ब्लूटूथ डिवाइस भी कनेक्ट हो चुकी है। दोस्तों ये तो हो गया इस SBH54 के साथ। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि क्या मैं इस Xiaomi MI5 की सिग्नल भी गायब कर सकता हूँ। तो करंटली मैं यहाँ पर रिलायंस जियो और साथ में एयरटेल 3G दोनों को पैरेलली चला रहा हूँ और साथ में दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर वाईफाई हॉटस्पॉट भी क्रिएट कर रखा है। तो इस डिवाइस को अगर मैं इस एल्युमिनियम फॉइल के अंदर रैप कर देता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों मैं तीन चीज़ें चेक कर पाऊंगा, एक तो ब्लूटूथ जिसके जरिए ये कनेक्टेड है, दूसरा दोस्तों मोबाइल नेटवर्क जिसके जरिए दोस्तों मैं इस फोन पर कॉल को रिसीव कर सकता हूँ या इवन इस फोन से कॉल को कर सकता हूँ, और दोस्तों तीसरा है आपका यहाँ पर वाईफाई, और यहाँ पर मैंने वाईफाई हॉटस्पॉट क्रिएट करके इस MI Max को इसके साथ कनेक्ट कर रखा है। तो आइए दोस्तों अब मैं इस फोन को इस अल्मीनियम फॉइल के अंदर रैप करने जा रहा हूँ। तो अल्मीनियम फॉइल दोस्तों मैंने ले लिए, तो देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर गायब होता है, किस किस का सिग्नल यहाँ से गायब होता है। तो ये मैंने अच्छे से लपेट दिया है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं इस ब्लूटूथ डिवाइस को, तो गायब। तो इवन दोस्तों देख सकते हैं सर्चिंग मोड पर चला गया और यहाँ पर वाईफाई हॉटस्पॉट की बात करें तो वाईफाई के सिग्नल ही चले गए। आइए दोस्तों मैं अब इस फोन को कॉल कर लेता हूँ, तो दोस्तों सुन सकते हो नॉन रीचेबल। तो आइए दोस्तों अब इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि नेटवर्क पकड़ चुका है। दोस्तों अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं अपने इस फोन से इस Xiaomi MI5 को कॉल कर रहा हूँ और फिलहाल कॉल को यहाँ पिकअप करके मैं यहाँ पर इस फोन को अल्मीनियम फॉइल में डाल दूंगा। तो दोस्तों कॉल आ चुकी है, आइए कॉल को रिसीव कर लेते हैं और यहाँ पर आपको मैं स्पीकर मोड पे दोनों डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इस फोन को इस फॉइल के अंदर डाल दिया और आप यहाँ पर आवाज सुन सकते हो, कोई भी आवाज नहीं आ रही है। और यहाँ पर देखा गया दोस्तों कि जो वाईफाई का नेटवर्क है वो भी गायब हो चुका है, मतलब कि बहुत कम आ रहा है और इवन यहाँ पर आप कॉल को सुन भी नहीं पा रहे हो। फिलहाल दोस्तों कॉल कनेक्टेड है बट अभी कोई आवाज़ नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों नेटवर्क चला गया है और इवन देखा जाए दोस्तों तो अगर मैं इस फ़ोन को वापस निकालता हूँ इस कंटेनर से तो आप देख सकते हैं कि कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी है यहाँ पर, और जबकि दोस्तों अभी भी यहाँ पर कॉल चल रही है। तो इसका मतलब दोस्तों कि आपका
ये अल्यूमिनियम का जो फॉइल पेपर है ये वर्क करता है और आप इसके जरिए एक फेरेडे केज बना सकते हो और फिलहाल इस फेरेडे केज के जरिए आप अपने नेटवर्क को यहाँ पर गुल कर सकते हो। तो दोस्तों इसके इस्तेमाल क्या है, मतलब एप्लीकेशन क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर कई बार सिनेरियो ऐसे हो जाते हैं जैसे कि आप अपने फोन को स्विच ऑफ नहीं करना चाहते हो और अपने जो कॉलर है जो आपको कॉल बैक कर रहा है बार बार परेशान कर रहा है, तो फिलहाल उसको दिखाना चाहते हो कि आप इस समय नेटवर्क से बाहर जा चुके हो, तो उस केस में आप इस टाइप की फेरेडे केज बना लीजिए। इवन दोस्तों यहाँ पर आप डोंगे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, डोंगे के अंदर डाल दीजिए और उसको अच्छे से सील कर दीजिए, तो फिलहाल उस केस में भी जो आपका नेटवर्क है वो गुल हो जाएगा। इवन दोस्तों अगर आपके पास ग्लास और कटोरे का कॉम्बिनेशन है तो आप अपनी डिवाइस को उसके अंदर डाल दीजिए और उसको बंद करके रख दीजिए, तो ऐसे केस में आपका जो सिग्नल है वो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आप अपने जो डिवाइस है उसका जो सिग्नल है उसको आराम से गुल कर सकते हो। ऐसे केस में जो आपका कॉलर होगा उसको लगेगा कि आप नेटवर्क क्षेत्र से बाहर जा चुके हो और फिलहाल वो आपको परेशान करना बंद कर देगा। तो दोस्तों ये काफ़ी आसान तरीका है जिसके जरिए आप यहाँ पर अपने कॉलर को उल्लू बना सकते हो। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि फेरेडे केज क्या होती है और इसके क्या क्या एप्लीकेशन है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जाने से पहले बता देता हूँ कि आपका जो घर होता है जिसको आप कंस्ट्रक्ट करते हो, अगर यहाँ पर आपकी कॉन्क्रीट की दीवारें हैं, ब्रिक की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपके पास कॉन्क्रीट की दीवारें हैं तो फिलहाल आपका घर एक अच्छा फेरेडे केज बन जाता है। चाहे कितनी भी बिजली गिर जाए बाहर तो पर आपके घर को कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपने अपने घर में सरिये लगा रखे हैं और सरिये दोस्तों एक तरह से वही फेरेडे केज बना देते हैं जिसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल फील्ड आपके घर पर एंटर नहीं हो पाती। और फिलहाल ऐसे केस में अगर आप अपने घर के अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाओगे तो उस केस में नेटवर्क बिल्कुल ही गुल हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों खिड़कियाँ छोड़ दी जाती हैं और इवन दोस्तों दीवारों को भी पूरी तरह से कंक्रीट का नहीं बनाया जाता है, यहाँ पर दीवारों को ईंटे से बनाते हैं और ईंटे की वजह से यहाँ पर दोस्तों सिग्नल ट्रांसमिट कर जाते हैं। इवन दोस्तों अगर आपकी खिड़कियाँ या दरवाजे काफ़ी बड़े हैं तो उस केस में भी दोस्तों जो सिग्नल होता है वो ट्रांसमिट कर जाता है उस खिड़कियों या दरवाजे से। बट दोस्तों उस केस में डाइफ्रेक्शन वर्क करती है। डाइफ्रेक्शन का मतलब अगर आपके अपर्चर का साइज, मतलब खिड़कियों और दरवाजे का साइज जो वेवलेंथ है 13 सेंटीमीटर की, ब्लूटूथ वाईफाई और इवन दोस्तों मोबाइल फोन की जो नेटवर्क की, और फिलहाल उस डाइफ्रेक्शन के इफेक्ट से वो सिग्नल आपके घर के अंदर ट्रैवल कर जाते हैं और इवन दोस्तों आपको शेडिंग एरिया में भी सिग्नल मिल जाता है। तो फिलहाल दोस्तों आपको अब पता चल गया होगा कि आपके घर में जाते ही आपके जो मोबाइल फोन के नेटवर्क है वो क्यों कम हो जाते हैं और साथ में आपके घर में बाहर की साइड को कोई खिड़कियां या दरवाजे नहीं है तो उस केस में आपके घर के अंदर सिग्नल दोस्तों बिल्कुल ही जीरो होंगे। बट अगर आप छोटी सी खिड़की बाहर की साइड खोल दोगे तो वहां पर डाइफ्रेक्शन की वजह से पूरे घर के अंदर सिग्नल आ जाएंगे। तो दोस्तों ये होता है एक फेरेडे केज और क्या इसके एप्लीकेशन है आपको पता चल गया होगा। और यहां पर मैंने आपको यह भी बता दिया, आप अपना घर पूरा का पूरा कॉन्क्रीट का कभी मत बनाइए क्योंकि दोस्तों ऐसे केस में आपके घर के अंदर मोबाइल फोन के सिग्नल कभी भी नहीं आएंगे। तो फिलहाल दोस्तों ये है एक फेरेडे केज और इस फेरेडे केज के एप्लीकेशन। यहाँ पर दोस्तों मैंने बहुत ही कम एप्लीकेशन बताई है, इसके सिवाय बहुत सारी और भी एप्लीकेशन है इस फेरेडे केज की। तो फिलहाल इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ए मोहित, पता चला कि क्या होती है फेरेडे केज? अब ले जा इन भांडे बर्तनों को। Thank you.